बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सुनते क्या कहते हैं। मिनिस्टर, सीनियर मिनिस्टर ऑनरेबल गिरिराज सिंह जी भी काल बिहार से विथ डॉक्यूमेंटरी एविडेंस एंड स्पेसिफिक डाटा काल पूरा खुलासा किया किस तरीके से धांधली हुआ, खास करके मनरेगा से लेकर रूरल डेवलपमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट का मोदी जी का स्कीम के ऊपर। साथ साथ हमारी युवा नेता ऑनरेबल मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी भी पत्रकार सम्मेलन किया। काल जिस तरीके से राजघाट में गांधी जयंती का दिन ये लोग पूरा देश से आया श्रद्धालु का साथ, जिस तरीके से बिहेवियर विदाउट गेटिंग एनी परमिशन फ्रॉम द राजघाट कमिटी और दिल्ली पुलिस करने की कोशिश किया, ढाई तीन घंटा तक पूरा देश से गांधी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए जनता को हैरेसमेंट किया, ये आप सब लोग को आप लोग देख लिया। ये पार्टी गुंडाओं की पार्टी है, ये पार्टी I.N.D.I.A. का हिस्सा है। इसका तीन एजेंडा है, एक परिवारवाद, दूसरा भ्रष्टाचार और तीसरा एपीजमेंट तुष्टिकरण। ये विकास का काम नहीं करता। इस पार्टी का खिलाफ सरकारी हमारी प्रोग्राम को लास्ट माइल तक गांव की जनता की ओर भेजने का ये लोग का कोई इरादा नहीं है। अब सबको मालूम है पूरा देश में कुछ किसानों के लिए और खास करके डाउन ट्रोडन पीपल गरीब जनता के लिए लो इनकम ग्रुप के लिए कुछ स्कीम चालू है हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री जी का इंडिया बीजेपी का सरकार का। बंगाल में ये स्कीम नहीं है, एक है पीएम क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना, ये बंगाल में नहीं है। 2019 से ममता जी का सरकार, टीएमसी सरकार इसको बंद कर दिया। दूसरा आयुष्मान भारत, इट्स ए हेल्थ रिलेटेड स्कीम, वेस्ट बंगाल में नहीं है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का जो हेल्थ स्कीम है स्वास्थ्य साथी कार्ड, ये बंगाल का बाहर नहीं चलता है। और आप चला जाइए साउथ का सीएमसी बेलोर से लेकर मुंबई का टाटा कैंसर हॉस्पिटल से लेकर बंगलोर का आवाज ठीक आ रहा है? बंगलोर का हॉस्पिटल अभी ठीक है ना? तब इसमें ज्यादातर मरीज वेस्ट बंगाल से ही जाता है, यहां आयुष्मान भारत का बेनिफिट नहीं मिलता है। इसलिए हर स्कीम में, हर मुद्दे में, हर मोर्चा में राजनीतिकरण करना और दिल्ली का कुर्सी का सपना देखना ये टीएमसी का आदत बन गया।
2021 का चुनाव का बाद अपने पार्टी को दूसरा प्रदेश में स्थापन करने के लिए ये लोग गोवा का चुनाव लड़ा, गोवा में झूठा आश्वासन दिया, लेकिन गोवा में इनका एक भी सीट, एक भी कैंडिडेट का सिक्योरिटी मानी नहीं बचा, ऑल कैंडिडेट का सिक्योरिटी मानी फॉरफिट हो गया। उसका बाद त्रिपुरा का नगर निगम चुनाव, उसका बाद मेघालय में, त्रिपुरा में असेंबली चुनाव, त्रिपुरा में तो नोटा से भी कम वोट मिला टीएमसी को, उसका ज्यादा वोट नोटा को मिला। एक कोशिश